प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज जो है अच्छे से कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस चैप्टर का, और जो एग्जाम्पल्स थे वो भी आपको समझा दिया है। प्यारे बच्चों, आप जब भी हमारे चैनल को देखें तो प्लीज डू सिट विद नोटबुक एंड पेन, क्योंकि यहाँ पर आपको जब ही समझ में आएगा जब आप चीजों को लिखेंगे, सीखेंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। बिकॉज मैं मूवी तो दिखा नहीं रहा हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आपको एक बार में ही समझ में तब आएगा जब आप चीजों को समझेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपको सब चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल को देखने का एक बहुत आसान सा तरीका ये है कि वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी इन इंग्लिश और मैथ, आपको जस्ट उस टॉपिक का नाम लिखना होगा और हमारे चैनल का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना है इंग्लिश में, समझना है आपको टेंस, तो आप लिखिए टेंस और लिख दीजिए गूगल में जाके प्रेम ज्ञान, या यूट्यूब पे जाके लिख दीजिए प्रेम ज्ञान। आपको समझना है पॉलिनोमियल, तो आप लिख दीजिए पॉलिनोमियल और क्या लिख दीजिए प्रेम ज्ञान, या प्रेम ज्ञान पॉलिनोमियल कुछ भी लिख दीजिए, यू विल गेट दोज वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आज हमें करना है एक्सरसाइज 2.2, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन से पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिन पॉलिनोमियल्स के ऊपर पावर क्या होती है? 2 होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आयुवासिन में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन बताना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, और इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने किया था स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। देखिए, तो इसको स्प्लिट कीजिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख दिए एडिशन। मल्टीप्लाई में आपको क्या चाहिए? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है? 1 है। मान लीजिए क्या है? 1। 1 इंटू माइनस 8 वुड बी माइनस 8, और एडिशन में क्या है? माइनस का 2। तो अब दो नंबर सोचना है जिसमें आपको ये मिले, वो कौन से नंबर हो जाएंगे? वो नंबर हो जाएंगे 4,2। क्या हो जाएगा? 4,2। अब जरा देखो किस तरीके से ये आपका माइनस 8 आएगा। तो माइनस 8 लाना मल्टीप्लिकेशन में, इट मीन्स एक नंबर आपका क्या होना चाहिए? माइनस। एक नंबर क्या होना चाहिए? माइनस, और एक नंबर पॉजिटिव। ऐसा करने से दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये जरा चेक करेंगे आप। ये आ गया आपका माइनस 8 और प्लस माइनस ये क्या आ गया? माइनस 2। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सॉरी प्लस 2x, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है जी एक्स, एक्स माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है? प्लस का 2 लिख लीजिए, और दोनों में कॉमन है 2। देखो यहाँ पे भी 2 है, 4 2 जाए तो यहाँ पे भी है, और ये आ जाएगा x माइनस 4। नाउ अब आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट x माइनस 4, दोनों में से जो कॉमन होता है, दोनों एक जैसे ही आते हैं, ये दोनों x माइनस 4, x माइनस 4, और आपका आ गया x प्लस 2। ये आ गया। अब हमें तो जीरोज निकालने हैं, तो हम लिखेंगे इधर इधर एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यदि एक्स माइनस 4 0 के बराबर होता है, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी 4। एक वैल्यू आ गई आपकी एक्स की 4, और यहाँ पे एक वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी? माइनस का 2। समझ में आएगी बात? नाउ मैं आधे हिस्सा इस पोर्शन में करूंगा, तो इसको मैं मान लेता हूं जी अल्फा मेरा आ गया 4 और बीटा क्या आ गया? माइनस का 2। हम जानते हैं, अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ
कैसे करोगे? देखो जरा, आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके बराबर होता है? माइनस का बी ओवर ए। लिखते हैं ना भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनाते थे, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। कहाँ पे मैं समझा चुका हूँ? इंट्रोडक्शन में। तो ये होता था अल्फा प्लस बीटा। क्या है यहाँ पे? देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये है 4 प्लस माइनस का 2, और माइनस का बी बाय, बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये क्या है? माइनस का, ये माइनस ये हो गया, और पहले से ही माइनस मौजूद है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 2, और ओवर क्या आ जाएगा? 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, ये आ जाएगा 2 = माइनस माइनस प्लस 2 = 2, दोनों इक्वल हो गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। नाउ एल, यहाँ पे लिखिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस हैंस वेरीफाइड। एक और अभी प्रूफ करना है भाई, सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी प्रूफ कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा क्या है? 4। अल्फा क्या है? 4। बीटा क्या है? माइनस का 2। इज इक्वल्स टू सी क्या है? व्हाट इज सी? सी इज माइनस ऑफ 8। सी क्या है? माइनस का 8 ओवर सी बाय क्या रहा है? ए। तो ये क्या आ जाएगा? 1। अब जरा सॉल्व कीजिए दोनों को, सॉल्व कीजिए, चेक इट आउट। माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अगेन। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस हैंस क्या हो गया? वेरीफाई। क्या हो गया जी आपका? वेरीफाई। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हम लोग फटाफट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, सेकंड पार्ट क्या है? 4s² माइनस 4s + 1। हिंट देते हैं आपको, फिर आप खुद ही कर लेंगे। 4s² माइनस 4s और ये क्या आ जाएगा? प्लस में 1 अगेन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन, और क्या चाहिए? एडिशन। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? इसको और इसको क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो 4 * 1 4, और ये क्या चाहिए? माइनस में 4। दो नंबर सोचो, दो नंबर क्या होगा? माइनस 2 और माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 * 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4। पर्पज सॉल्व, तो मिशन अकम्प्लिश्ड। क्या होगा ये? 4s² माइनस, 4s की जगह मैं क्या लिखूं? स्प्लिट तो कर दिया, तोड़ दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2s प्लस में 1। सॉल्व कीजिए, ऑन सॉल्विंग यू कैन टेक कॉमन, इनमें से कॉमन निकालो प्यारे बच्चों। तो 2 और s बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 2s, ये तो बाहर चला गया था, माइनस में 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? माइनस का 1। अंदर क्या रह जाएगा? 2s माइनस का 1। ठीक है, क्या आएगा? 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1, ये अंदर वाला क्या आ जाएगा? 2s माइनस में 1। तो आप लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे? इधर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर क्या लिखेंगे? और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और ये 0 होगा तो ये क्या आ जाएगी? 1/2। समझ में आ रही बात? तो इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू 1/2। नाउ चेक, हम क्या करेंगे? चेकिंग, चेक, प्रूफ चेक करना है ना। तो सम ऑफ जीरोज, अल्फा क्या आ गया? 1/2। बीटा भी क्या आ गया आपका? 1/2। सम ऑफ जीरोज क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 1/2 + 1/2, और माइनस बी की जगह क्या आएगा? माइनस बी की जगह देखो जरा, ये है माइनस, माइनस ऑफ माइनस 2, और ए की जगह क्या है? 4। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा कि नहीं? नहीं, 2 एलसीएम हो गया, 2/2, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? प्लस का 2, और ये क्या आ जाएगा? 4। ये क्या आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? टू वन जा टू एंड टू वन जा ये 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2। इसका मतलब गलत है। क्या गलत हो गया ये देखना पड़ेगा।
इसमें से हमने कॉमन निकाला 2s, तो 2s कॉमन आ 2s-1, और यहाँ पे हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2s-1, 2s-1 1/2 आ गया, और यहाँ पे भी 2s-1 1/2, सम ऑफ जीरोज 1/2 + 1/2, ये क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा, आधा आधा 1, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा भाई, यहाँ पे 2 तो नहीं था। अच्छा, आप पहले से ही बोल रहे थे सर नहीं है 2, यहाँ पे क्या है 4 है, तो मैंने गलती से ये लिख दिया होगा, तो ये क्या हो जाएगा -of -4/4, तो ये भी क्या आ गया आपका 1। सो LHS इक्वल्स टू RHS, समझ में आ गई बात। अब प्रोडक्ट पे आ जाइए, प्रोडक्ट क्या होता है आपको भली भांति मालूम है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और में सी वाई में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 × 1/2 इक्वल्स टू सी क्या है आपका, सी जरा देखो तो जरा यहाँ पे क्या है, सी इज सॉल्व जो किया है, सी क्या है यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वुड बी 1/4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1/4 इक्वल्स टू 1/4, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुड। नेक्स्ट, बस इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6x² - 3 - 7x, थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, ये बात है। अब आप देखेंगे ये अरेंज तो है नहीं, तो इसको अरेंज करके लिखो सबसे पहले, तो सर्वप्रथम तो ये आ जाएगा 6x² - 7x - 3, मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या चाहिए, 6 7 जा 42, और वो भी क्या चाहिए माइनस का, और एडिशन में देखो माइनस, यहाँ देखो यार 6 3 जा 18, 6 3 जा मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए 6 3 जा -18, एडिशन में क्या चाहिए माइनस का 7, दो नंबर क्या होंगे -9 एंड क्या हो जाएंगे 2, पर्पस सॉल्व हो जाएगा आपका अगर आप -9 एंड 2 लेते हैं तो। सो यू विल राइट 6x² - 9x + 2x और -3, सॉल्व करके देखो जरा, इसको आपस अगर सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस नंबर ओनली, इसका मतलब सही है। नाउ टेक कॉमन, अब क्या करेगा इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों से कॉमन क्या है, एक्स तो है ही, एक्स है क्या है भाई, एक्स है और उसके साथ क्या है 3, तो अंदर क्या बचेगा 3 2 जा x और 3 3 जा 9, इन दोनों में से कॉमन क्या, कुछ नहीं है, तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो प्लस का निशान लगाएंगे 1 लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा 2x - 3। नाउ इनको 0 के बराबर पुट करो, 2x - 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 1, या तो आप लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे, इधर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, जब ये 0 के बराबर होगा सो वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी 3/2 एंड हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, समझ में आई बात। नाउ हमें चेक करना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, सो यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग, क्या लिखेंगे चेकिंग, हम जानते हैं अल्फा हमारा क्या है 3/2 है, बीटा हमारा क्या है इट इज -1/3, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 + -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है यहाँ पे देखो जरा, व्हाट इज माइनस बी, माइनस बी इज --9/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/6, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, सॉल्व कीजिए इसको, वन यू टेक एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 9, 2 देखो इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 3 3 जा 9, इसको डिवाइड करें तो 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा वाई वी आर गेटिंग रॉन्ग, एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 और ये एक्स इज इक्वल्स टू -1/3, ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 3
2 माइनस 2 2 3 9, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 9/6। जब कट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, 3/2 वाला चाहिए भाई। यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, एक्स हमने कॉमन लिया माइनस का, यहाँ से कॉमन आ गया आपका 3, यू गॉट 3 कॉमन, 3x, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, 1, 2x माइनस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगी -1/3, 3x। जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 1/3, 3/2 प्लस -1/3। तो 7/2 आ रहा है यहाँ पे, 3/2। देखिए जरा दोबारा देखें इसको प्लीज, 7x इधर आ गया, 6 3 -18 चाहिए था हमें। चलो बच्चों इसको दोबारा मैं क्वेश्चन करके ही दिखाता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी जो अभी पकड़ में नहीं आ रही है। 6x square minus 3 minus 7x, लेट्स डू इट अगेन।